అంటే నాకు మంట. राम पथनेनी स्टारर मूवी रेड रिलीज के आज दूसरा दिन है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेड मूवी ने अपने रिलीज के दूसरे दिन पे यानी दो दिनों में इंडिया बॉक्स ऑफिस पे कितने करोड़ की कलेक्शन की. साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताएंगे रेड मूवी ने अपने दो दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड कितने करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा. तो दोस्तों रेड जो कि ड्रामा क्राइम एक्शन मूवी है इसको डायरेक्शन दिया है किशोर तिरुमाला जी ने. वही दोस्तों मूवी को प्रोड्यूस किया है श्रवंती रवि किशोर जी. मनीष शर्मा की म्यूजिक होगी और इस मूवी को कल दो भाषाओं के साथ रिलीज किया गया था तेलुगु और कन्नड़ा. बताना चाहूंगा दोस्तों राम पथनेनी जिनके मूवी बहुत दिनों के बाद थिएटरों में रिलीज होते ही ताबड़तोड़ की कलेक्शन करने लगे. इस मूवी के बजट पे बात दोहराई जाए तो दोस्तों रेट इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 30 करोड़ रुपए से है. दोस्तों इस मूवी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट यानी दोस्तों फिल्म बन के रेडी हुई है पूरे 28 करोड़ रुपए में और दोस्तों मूवी के प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट पूरे 2 करोड़ रुपए यानी टोटल बजट हो जाते पूरे 30 करोड़ रुपए. वही बात की जाए इस मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो दोस्तों रेड मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही मूवी के डिजिटल राइट्स सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेचकर पूरे 17 करोड़ की रिकवरी कर ली थी. वो दोस्तों रेड मूवी वर्ल्ड वाइडली 1500 स्क्रीन में रिलीज किया गया है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात की जाए तो दोस्तों राम पथनेनी स्टार मूवी रेड ने रिलीज के पहले दिन जो कलेक्शन किया है वो दोस्तों काबिले तारीफ है. जी हाँ दोस्तों इस मूवी ने रिलीज के पहले दिन यानी कल दो भाषाओं के साथ तेलुगु और कन्नड़ा के साथ दो भाषाओं के साथ इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 7 करोड़ 45 लाख रुपए. जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ी बात है. सिर्फ 50% ऑक्युपेंसी के साथ ऑडियंस इस मूवी को देख पाए. साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही कम स्क्रीन में रिलीज किया गया था. ऊपर से इस मूवी ने जो कलेक्शन की है काबिले तारीफ है दोस्तों. 7 करोड़ 45 लाख का रिलीज के पहले दिन के टोटल नेट कलेक्शन आया है. बात करें फिल्म के दूसरे दिन यानी आज की कलेक्शन की तो दोस्तों रेड मूवी के आज मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्युपेंसी 80% हाउसफुल रहे और आफ्टरनून शोज के ऑक्युपेंसी पूरे 71% हाउसफुल रहे. हालांकि दोस्तों इवनिंग शोज के और नाइट के शोज के ऑक्युपेंसी रिपोर्ट नहीं आई लेकिन दोस्तों अभी के रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार रेड मूवी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर रहे पूरे 5 करोड़ रुपए. जी हाँ दोस्तों पूरे 5 करोड़ रुपए. इसके साथ दोस्तों रेड मूवी के अपने दो दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होते पूरे 12 करोड़ 45 लाख रुपए और दोस्तों मूवी के अपने दो दिनों का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन होते पूरे 15 करोड़ रुपए. ग्रोस कलेक्शन वो कलेक्शन होते हैं दोस्तों जो हिस्सा नेट कलेक्शन के साथ जोड़ा जाता है और जो हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स देने होते हैं. ओवरसीज कलेक्शन की अगर बात की जाए तो दोस्तों रेड मूवी को ओवरसीज मार्केट में बहुत ही कम स्क्रीन में रिलीज किया गया था फिर भी दोस्तों ताबड़तोड़ की कलेक्शन करके दिखाया. जी हाँ दोस्तों इन दो दिनों में टोटल जो कलेक्शन आया है ओवरसीज मार्केट से पूरे 1 करोड़ रुपए. तो दोस्तों रेड मूवी ने अपने दो दिनों में टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया है पूरे 15 करोड़ रुपए. दोस्तों मूवी ने अपने दो दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है पूरे 1 करोड़ रुपए. यानी राम पथनेनी स्टार मूवी रेड ने दो दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है पूरे 16 करोड़ रुपए. जी हाँ दोस्तों यही है रेड मूवी के अपने दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो कि हो चुके पूरे 16 करोड़ रुपए. तो जिस मूवी के टोटल बजट है 30 करोड़ रुपए दोस्तों उस मूवी ने दो दिनों में ही 16 करोड़ की रिकवरी कर ली है. तो दोस्तों ऐसा लगता है इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने में अब कोई नहीं रोक सकता. तो दोस्तों आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेगा वीडियो को लाइक करेगा. तब तक के लिए मिलते हैं अगले अपडेट में. टेक केयर बाय.